आज हम लोग जाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, आज हम लोग ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो मेरे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और चलते हैं इस जगह पे। जगह मैं आज दिखाने वाला हूँ, मैं अभी फिर ही बता रहा फ्रेंड, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। मेरे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे हैं। अब हवा डला चुकी है और हम लोग चलते हैं उस जगह पे। लेके जाने वाला हूँ गेतलसूर डैम, जो हमारे रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में है और रामगढ़ से भी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में है। वहाँ का जो पानी का जो फ्लोर है बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ का ही जल से ही रांची को जल पूर्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कुछ देखने को जैसे देख सकते हैं। हम लोग गेतलसूर डैम जाने से पहले यहाँ पे रोड पे वो छोटा सा बाबू जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उसके बाबू कौन कौन सा स्कूल पढ़ते हैं यहाँ पे? गाँव कहाँ पर पढ़ता है तेरा? चलो ठीक है, देखो तो यहाँ पे बहुत से लड़के आते हैं और जाते हैं गेतलसूर डैम घूमने के लिए स्कूल छुट्टी होने के बाद। तो फ्रेंड्स, सब लोग चलते हैं जगह पे और दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं गेतलसूर डैम और ये देख सकते हैं हमारे झारखंड के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे को। और फ्रेंड्स, आप लोग को अगर खूबसूरत व्यू देखना है तो हमारे गेतलसूर डैम में ज़रूर आएं और ये देख सकते हैं प्राकृतिक के सभी खूबसूरत व्यू और हर चीज़ को। फ्रेंड्स, ये हमारे झारखंड में भी ऐसी बहुत सी खूबसूरत जगह है जहाँ पर आप लोग घूम सकते हैं और इस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे और मैं दिखाता हूँ यहाँ गेतलसूर डैम का व्यू। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं गेतलसूर का बहुत ही खूबसूरत व्यू, ये देख सकते हैं दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये हमारे झारखंड प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ गेतलसूर डैम का नज़ारा, यही जो जल स्तर है जो रांची के जल पूर्ति के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। बरसात के मौसम यहाँ जल स्तर बढ़ जाता है। आप लोग जैसे देख सकते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं गेतलसूर डैम और लोग देख सकते हैं गाड़ी पार्किंग की है, गाड़ी रखे हैं और चलते हैं हम लोग नीचे की ओर और दिखाते हैं। और ये हमारे कमल भैया। नीचे की ओर दिखाते हैं फाटक को भी और वहाँ का देखते बताता हूँ फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम लोग नीचे की ओर, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ का व्यू और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है।
और यहाँ पे देखिए नदी है स्वर्णरेखा नदी। इसे स्वर्णरेखा नदी का भी व्यू मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स आप लोग को। और ये हमारे कमल भैया है जो अपना ब्लॉगिंग पार्टनर है और इनका चैनल का नाम है मेरा चैनल का नाम है एनअप कमल ब्लॉग्स। तो एक बार गाइज अगर रियांश मतलब एकलव्य ब्लॉग के आप सब्सक्राइबर है तो एक बार मेरे चैनल में भी विजिट करिए एनअप कमल ब्लॉग। वहाँ पे मैं अब वीडियो डालते रहता हूँ जैसा हमारे भाई सुरेंद्र भाई डालते हैं वैसा ही मैं भी डालते रहता हूँ ब्लॉगिंग रिलेटेड। अगर आपको ब्लॉगिंग पसंद है तो एक बार मेरे चैनल को भी विजिट कीजिए। मेरा चैनल का नाम नोट कीजिएगा एनअप कमल ब्लॉग्स। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये मेरे भाई बड़े भैया हैं जो वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भी सपोर्ट करें। इसे देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है और ये देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा अधिक पानी भर जाता है फ्रेंड्स इस डैम में। तो अधिक फ्लोर होने के बाद इस फाटक को खोला भी जाता है फ्रेंड्स जैसे देख सकते हैं। और ये स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है ये डैम गेतलसू डैम फ्रेंड्स देख सकते हैं। और इस डैम की ऊंचाई 35.5 मीटर है और ये हमारे सिक्किदिरी केंद्र पावर प्लांट 65/65 मेगावाट की दो यूनिट बनाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग जैसे देख सकते हैं हम लोग नीचे की ओर आ चुके हैं और फ्रेंड्स दिखा रहे हैं आप लोग को फाटक। ये फाटक जब बरसात के समय में जलस्तर बढ़ जाता है तो फ्रेंड्स डैम को स्थिति देखते हुए फाटक को भी खोलना पड़ता है क्योंकि किसी तरह का क्षतिग्रस्त ना हो डैम का। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 7 फाटक बने हुए हैं फ्रेंड्स। स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग को दिखाता हूँ मैं यहाँ का व्यू। फ्रेंड्स आप लोग इसे देख सकते हैं ये फाटक इसकी हाइट 116 फीट है फ्रेंड्स 35 मीटर। और यहाँ के अगल बगल गांव में बहुत ही तरह का पानी की पूर्ति की जाती है खेती के लिए, फसलों को उगाने के लिए पूर्ति की जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे देख सकते हैं ये गेतलसू डैम से एक नहर निकली है जो सिक्किदिरी जाती है और वहाँ पे बिजली उत्पादन का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ का भी वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा। नहर की फाटक इसी से खोली जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग जैसे देख सकते हैं ये गेतलसू डैम का व्यू, इसकी जल स्तर को आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है ये डैम। यह रांची और रामगढ़ जिले के निवासियों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है और ये सभी सैलानियों के लिए घूमने फिरने की सबसे खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स। और यहाँ पे बहुत से व्यक्ति आते हैं, घूमते हैं, अपने टाइम को एक्सपेंड करते हैं। बहुत से वैसे यहाँ पे यहाँ पिकनिक का भी बहुत ही बड़ा और पर्यटन का भी मुख्य केंद्र यहाँ पे बन गया है फ्रेंड्स। बहुत से लोग यहाँ पिकनिक मनाने और बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी आते हैं अपने वीडियो घूमने के लिए फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं Thank you.
तो फ्रेंड्स आप लोग को जैसे मैंने बताया था उसी तरह से मैंने आप लोग को बताया फ्रेंड्स, और दिखाए भी यहाँ पे गेतासुर डैम का व्यू और नज़ारे और यहाँ क्या क्या होता है और क्या है। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को अगर आप लोग को अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और मेरे इसी तरह के नए वीडियो को मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।